Hello friends, welcome to LearningSTAN, learn to know and know to learn. आज के इस लेक्चर में हम सिंक्रोनस मशीन के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे. पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक देखा था, तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर 26. ये कहता है सिंक्रोनाइजिंग पावर ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन इज व्हाट. तो नोट करिए आप, पी इज इक्वल टू ईवी अपॉन एक्सएस साइन डेल्टा. तो सिंक्रोनाइजिंग पावर विल बी इक्वल टू डीपी अपॉन डी डेल्टा. यानी कि जब इस पावर के इक्वेशन को हम डेल्टा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा सिंक्रोनाइजिंग पावर. तो आप इसे डिफ्रेंशिएट करिए, ईवी अपॉन एक्सएस इज कॉन्स्टेंट, तो इसलिए हम इसे एज इट इज लिख देंगे. EV अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा का डिफरेंशिएशन होगा कॉस डेल्टा. सो सिंक्रोनाइजिंग पावर विल बी इक्वल टू EV अपॉन एक्सेस कॉस डेल्टा. ओके, तो यहां से आप देख सकते हैं कि सिंक्रोनाइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस. यानी कि सिंक्रोनाइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सिंक्रोनस रिएक्टेंस का. तो अब हम ऑप्शंस को देखेंगे. ऑप्शन सी में कहता है कि सिंक्रोनाइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिंक्रोनस रिएक्टेंस. सो ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27. ये कहता है द नॉर्मल स्टार्टिंग मेथड दैट इज यूज टू स्टार्ट अ सिंक्रोनस मोटर इज व्हाट. तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है डैम्पर वाइंडिंग. यानी कि जब तक हम रोटर में डैम्पर वाइंडिंग को प्लेस नहीं करेंगे तब तक सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करना मुश्किल होगा. तो इसलिए डैम्पर वाइंडिंग की तो जरूरत होती ही है सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने में. लेकिन इसके साथ ही जब सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट हो जाए तो स्टार्टिंग के टाइम पर सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टिंग करंट और इसके स्टार्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर भी यूज करते हैं. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यदि हम एक सिंक्रोनस मोटर को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करना चाहें तो उसके लिए हमें डैम्पर वाइंडिंग के साथ साथ स्टार डेल्टा स्टार्टर की भी जरूरत पड़ेगी. ओके, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि डैम्पर वाइंडिंग इन कंजक्शन विथ स्टार डेल्टा स्टार्टर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28. ये कहता है व्हेन एनी वन फेज ऑफ अ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड देन व्हाट विल हैपन. यानी कि थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर के किसी एक फेज को यदि हम शॉर्ट सर्किट कर दें तो मोटर में क्या होगा. और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है. तो आप लिखेंगे व्हेन वन फेज इज शॉर्ट सर्किटेड देन ह्यूज करंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई. एक फेज के शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से सिंक्रोनस मोटर सप्लाई से वेरी हाई करंट ड्रॉ करेगा जिसकी वजह से वाइंडिंग में एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होंगे. तो आप ऑप्शंस को अब रीड कर लीजिए. ऑप्शन ए में कहता है कि द मोटर विल ओवर हीट इन स्पॉट्स. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29. ये कहता है द ऑसिलेशंस इन अ सिंक्रोनस मोटर कैन बी डैम्प्ड आउट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. तो आप नोट करिए यहाँ कि सिंक्रोनस मोटर या सिंक्रोनस जनरेटर में सडन लोड चेंज होने की वजह से उसके रोटर में जो ऑसिलेशंस होते हैं इसी फिनोमिनन को कहते हैं हम हंटिंग. तो सिंक्रोनस मोटर या जनरेटर को हंटिंग से बचाने के लिए या फिर कहें कि इसके रोटर के ऑसिलेशंस को कम करने के लिए हम इसके रोटर में डैम्पर वाइंडिंग यूज कर लेते हैं. यानी कि सिंक्रोनस मोटर हो या सिंक्रोनस जनरेटर हो दोनों के रोटर में डैम्पर वाइंडिंग्स होते हैं. यदि हम सिंक्रोनस जनरेटर की बात करें तो उसमें डैम्पर वाइंडिंग का सिर्फ एक ही काम होता है टू प्रिवेंट द मशीन फ्रॉम हंटिंग. लेकिन यदि हम सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग के दो काम होते हैं. पहला काम है टू स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर और दूसरा काम है टू प्रिवेंट द मोटर फ्रॉम हंटिंग. ओके, तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन में कहा गया है कि द ऑसिलेशंस इन अ सिंक्रोनस मोटर कैन बी डैम्प्ड आउट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाय प्रोवाइडिंग डैम्पर बार्स इन द रोटर पोल फेस. ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 ये कहता है एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि सिंक्रोनस मोटर जब ओवर एक्साइटेड मोड में हो तो ये रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है, जिसकी वजह से होल सिस्टम का पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है। तो इसलिए ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर को हम कहते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर या फिर पावर फैक्टर करेक्टर, क्योंकि ये पावर फैक्टर को करेक्ट करता है। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कहता है कि एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर होगा दिस मोटर इज यूज फॉर पावर फैक्टर करेक्शन, यानी कि ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 ये कहता है सिंक्रोनस मोटर्स आर, तो इसका आंसर होगा नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, यानी कि ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32 ये कहता है व्हाइल अ सिंक्रोनस जनरेटर इज सप्लाइंग अ जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड द आर्मेचर रिएक्शन विल बी व्हाट। यानी कि सिंक्रोनस जनरेटर जब जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड को सप्लाई दे रहा हो तो उस टाइम आर्मेचर रिएक्शन किस तरह का होगा। तो आप नोट करिए कि यदि सिंक्रोनस जनरेटर में यूनिटी पावर फैक्टर लोड कनेक्टेड हो तो उसका आर्मेचर रिएक्शन प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इन नेचर होगा। यदि सिंक्रोनस जनरेटर में जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड कनेक्टेड हो तो उसका आर्मेचर रिएक्शन प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग इन नेचर होगा, जबकि सिंक्रोनस जनरेटर में यदि जीरो पावर फैक्टर लीडिंग लोड कनेक्टेड हो तो आर्मेचर रिएक्शन प्योरली मैग्नेटाइजिंग इन नेचर होगा। यहाँ पर डीमैग्नेटाइजिंग होने की वजह से जो रिजल्टेंट फ्लक्स है फाई आर वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि फाई आर विल बी लेस देन फील्ड फ्लक्स। ओके और यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग होने की वजह से रिजल्टेंट फ्लक्स फील्ड फ्लक्स से ज्यादा होगा, तो हम लिख सकते हैं कि फायर विल बी ग्रेटर देन फाई एफ। ओके तो आइए इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा है कि जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड कनेक्टेड है सिंक्रोनस जनरेटर से, तो आर्मेचर रिएक्शन कैसा होगा, प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग नेचर होगा। तो ऑप्शन ए में गिवेन है डीमैग्नेटाइजिंग, सो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 ये कहता है इन अ सिंक्रोनस मोटर द नेगेटिव फेज सीक्वेंस एग्जिस्ट व्हेन द मोटर इज विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि सिंक्रोनस मोटर में नेगेटिव फेज सीक्वेंस कब एग्जिस्ट करेगा। तो इसका आंसर होगा जब हम सिंक्रोनस मोटर को अनबैलेंस सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो उसमें नेगेटिव फेज सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा। ओके तो अब आप ऑप्शंस को रीड करिए। ऑप्शन बी में गिवेन है सप्लाइड विद अनबैलेंस्ड वोल्टेज, सो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 ये कहता है इन अ सिंक्रोनस मोटर द डैम्पर वाइंडिंग इज जनरली यूज्ड टू। यानी कि सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या यूज है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का दो काम होता है। पहला, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करना, यानी कि उसमें स्टार्टिंग टॉर्क को प्रोवाइड करना, और दूसरा काम होता है उसे हंटिंग से और दूसरा काम होता है मोटर को हंटिंग से प्रिवेंट करना। तो अब आप ऑप्शंस को रीड करिए। ऑप्शन बी में गिवेन है प्रिवेंट हंटिंग एंड प्रोवाइड स्टार्टिंग टॉर्क, सो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35 ये कहता है इन अ सिंक्रोनस मोटर विच लॉस वेरीज विथ लोड। यानी कि सिंक्रोनस मोटर में लोड के साथ कौन से लॉसेस वेरी करते हैं, और हमारे पास ऑप्शंस हैं विंडेज लॉस, बियरिंग फ्रिक्शन लॉस, कोर लॉस एंड कॉपर लॉस। तो जैसा कि हम जानते हैं यदि लोड वेरी करे तो मोटर में ड्रॉ होने वाला करंट भी वेरी करेगा, और जब मोटर का करंट वेरी करेगा तो मोटर वाइंडिंग में जो कॉपर लॉस होते हैं यानी कि आई स्क्वायर आर लॉस ये भी वेरी करेगा। तो इसका मतलब लोड के वेरी होने से कॉपर लॉस वेरी करेगा, सो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36 ये कहता है अ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर विल हैव विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि सिंक्रोनस मोटर में यानी कि थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में कितने स्लिप रिंग्स होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है उसे हम स्टेटर पे रखते हैं, जबकि फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे प्लेस्ड किया जाता है। एज वी नो रोटर इज
रोटेटिंग पार्ट ऑफ अ मशीन, तो इसलिए फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देने के लिए हमें रोटर में स्लिप रिंग्स लगाने पड़ते हैं। जैसा कि हमें पता है फील्ड वाइंडिंग में डीसी सप्लाई दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ दो स्लिप रिंग्स की जरूरत पड़ेगी। वन स्लिप रिंग सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए और दूसरा स्लिप रिंग सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को रीड करिए। ऑप्शन बी में गिवन है इट नीड्स टू स्लिप रिंग्स, सो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। ये कहता है द मैक्सिमम स्पीड वेरिएशन इन अ सिंक्रोनस मोटर इज व्हाट, यानी कि सिंक्रोनस मोटर में मैक्सिमम स्पीड वेरिएशन कितनी होती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंक्रोनस मोटर एक सिंगल स्पीड पे रन करती है और वो स्पीड है सिंक्रोनस स्पीड, तो इसलिए स्पीड वेरिएशन इन अ सिंक्रोनस मोटर इज जीरो, सो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। ये कहता है द स्पीड ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर कैन बी चेंज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सिंक्रोनस मोटर की स्पीड हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंक्रोनस मोटर एक सिंगल स्पीड पे रन करती है और वो स्पीड है सिंक्रोनस स्पीड ns, विच इज इक्वल टू 120 f/p। यदि हम सिंक्रोनस मोटर के स्पीड को चेंज करना चाहें, इसका मतलब हम इसके सिंक्रोनस स्पीड को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सप्लाई फ्रीक्वेंसी को चेंज करना होगा। सप्लाई फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से सिंक्रोनस स्पीड चेंज हो जाएगी। तो आप ऑप्शंस को रीड करिए। ऑप्शन बी में गिवन है बाय चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, सो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39। ये कहता है इन अ सिंक्रोनस मोटर रनिंग विद फिक्स्ड एक्साइटेशन व्हेन द लोड इज इंक्रीज टू टाइम्स इट्स टॉर्क एंगल बिकम्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट, यानी कि एक सिंक्रोनस मोटर फिक्स्ड एक्साइटेशन के साथ रन कर रही है, यदि उस मोटर का लोड टू टाइम्स हो जाए तो उसके टॉर्क एंगल यानी कि डेल्टा पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एज वी नो पावर पी इज इक्वल टू ई वी अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा, यहाँ पर ई है एक्साइटेशन, वी है सप्लाई वोल्टेज, एक्सेस है सिंक्रोनस रिएक्टेंस और डेल्टा है टॉर्क एंगल। ओके, क्वेश्चन में गिवन है कि सिंक्रोनस मोटर फिक्स्ड एक्साइटेशन के साथ रन कर रही है, इसका मतलब इसका एक्साइटेशन तो फिक्स है, सप्लाई वोल्टेज भी फिक्स होगा और एक्सेस भी फिक्स होगा। इट मीन्स ई वी अपॉन एक्सेस दिस इज कॉन्स्टेंट, यानी कि लोड के वैरी होने से ये वाला टर्म वैरी नहीं करेगा। एक और दूसरा पॉइंट कि सिंक्रोनस मोटर में स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए मोटर को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इसका टॉर्क एंगल यानी कि डेल्टा वेरी वेरी लेस हो, एंड दिस एंगल इज नियर अबाउट 30 degrees, जिसे हम लिख सकते हैं पाई अपॉन 6 radians। तो यदि डेल्टा की वैल्यू बहुत ही कम हो तो हम साइन डेल्टा को अप्रोक्सीमेटली डेल्टा के बराबर लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम डेल्टा की वैल्यू 30 degrees चूज करें यानी कि साइन पाई बाय 6, तो इसकी जगह पे हम पाई बाय 6 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/2 और इसे हम 3.141/6 के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया कि जब डेल्टा की वैल्यू बहुत ही कम हो तो साइन डेल्टा की जगह हम सिर्फ डेल्टा ही लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं कि यदि मोटर के लोड को 2 times कर दिया गया तो इसका पावर भी दोगुना हो जाएगा। चूंकि ev अपॉन एक्सेस ये कॉन्स्टेंट है तो पावर डबल होने से साइन डेल्टा डबल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि लोड दो गुना हो गया, इसकी वजह से पावर दो गुना हो गया, तो इसकी वजह से साइन डेल्टा की वैल्यू भी दो गुना हो जाएगी। तो यहाँ से हम साइन डेल्टा को डेल्टा भी लिख सकते हैं, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि डेल्टा की वैल्यू भी लगभग दो गुना हो गई होगी। ओके, तो आते हैं अब इस क्वेश्चन पे। इसने पूछा है कि टॉर्क एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा, तो टॉर्क एंगल बिकम्स ट्वाइस, सो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 40। ये कहता है अ सिंक्रोनस मोटर कैन बी स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, और यहाँ पर ऑप्शन ए में गिवन है बाय प्रोवाइडिंग डैम्पर वाइंडिंग,
यस दिस इज करेक्ट। ऑप्शन बी में कहता है बाय डीसी कंपाउंड मोटर, ऑप्शन सी कहता है पोनी मोटर, ऑप्शन डी कहता है एनी ऑफ द एबव। यहाँ पे होना चाहिए ऑल ऑफ द ऑप्शंस। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसके रोटर में डैम्पर वाइंडिंग प्रोवाइड कराते हैं और इस डैम्पर वाइंडिंग को हम शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं। तो इस डैम्पर वाइंडिंग की वजह से सिंक्रोनस मोटर में एक यूनिडायरेक्शनल टॉर्क डेवलप होगा और सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ और मेथड भी यूज करने पड़ते हैं ड्यूरिंग स्टार्टिंग, जिसमें से एक हम डीसी कंपाउंड मोटर को यूज कर सकते हैं, या फिर हम पोनी मोटर भी यूज करते हैं, या फिर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर भी यूज करते हैं, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। तो डैम्पर वाइंडिंग के अलावा हमें दूसरा डिवाइस भी इसमें यूज करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका तीनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए हम ऑप्शन डी को मार्क करेंगे, यानी कि ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, ये कहता है इन अ सिंक्रोनस मोटर द टॉर्क एंगल इज द एंगल बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि इस क्वेश्चन में डेल्टा के बारे में पूछा है कि डेल्टा किसके किसके बीच का एंगल होता है। तो यहाँ देखिए आप, यदि सिंक्रोनस मोटर का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका फील्ड फ्लक्स फाई एफ, या फिर हम कहें फील्ड एमएमएफ एफएफ, इस डायरेक्शन में होगा, और ये है इसका आर्मेचर फ्लक्स, या फिर कहें तो आर्मेचर एमएमएफ, ओके एफए। यदि हम फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स के रिजल्टेंट की बात करें तो ये होगा कुछ इसका रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर, या फिर हम कहें रिजल्टेंट एमएमएफ एफ आर। नाउ टॉर्क एंगल फील्ड फ्लक्स और रिजल्टेंट फ्लक्स के बीच का एंगल होता है, यानी कि ये एंगल होगा डेल्टा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि फील्ड एमएमएफ एंड रिजल्टेंट एमएमएफ के बीच का एंगल होता है डेल्टा। तो अब आप नोट करते जाइए कि हम इस एंगल को कितने फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला हमने कहा कि डेल्टा होगा एंगल बिटवीन फील्ड फ्लक्स एंड रिजल्टेंट फ्लक्स, दूसरा कहा फील्ड एमएमएफ एंड रिजल्टेंट एमएमएफ, तीसरा हम ये भी कह सकते हैं कि फील्ड करंट एंड रिजल्टेंट ईएमएफ ईआर, क्योंकि यहां से फील्ड फ्लक्स से लिया मैंने फील्ड करंट और रिजल्टेंट फ्लक्स से लिया रिजल्टेंट ईएमएफ ईआर। तो अब आप ऑप्शंस को रीड करिए, ऑप्शन ए में गिवन है टॉर्क एंगल इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटाइजिंग करंट एंड बैक ईएमएफ, सो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम देख चुके हैं कि टॉर्क एंगल इज एंगल बिटवीन फील्ड करंट एंड रिजल्टेंट ईएमएफ। ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42, ये कहता है इफ एक्साइटेशन ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर रनिंग विथ अ कॉन्स्टेंट लोड इज डिक्रीज फ्रॉम इट्स नॉर्मल वैल्यू देन इट लीड्स टू व्हाट। यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू की जगह पे नॉमिनल वैल्यू होना चाहिए, तो आप लिखिएगा नॉमिनल वैल्यू। ओके, नॉमिनल वैल्यू ऑफ एक्साइटेशन मीन्स ई नॉट, यानी कि इस एक्साइटेशन पे सिंक्रोनस मोटर का जो पावर फैक्टर होगा दैट इज यूनिटी पावर फैक्टर। तो अब हम सिंक्रोनस मोटर का वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देखिए, दिस इज वी कर्व ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर एंड दिस वन इज इन्वर्टेड वी कर्व। यहाँ पर होगा नॉमिनल एक्साइटेशन ई नॉट और इन्वर्टेड वी कर्व में यहाँ होगा नॉमिनल एक्साइटेशन ई नॉट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम एक्साइटेशन को डिक्रीज करके नॉमिनल एक्साइटेशन से भी कम कर दें, यानी कि ऑपरेटिंग पॉइंट कुछ यहाँ हो जाए, तो पूछता है कि आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यदि हम एक्साइटेशन को ई नॉट से रिड्यूस करें तो आर्मेचर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्साइटेशन के रिड्यूस होने से आर्मेचर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से आप लिखेंगे कि ई नॉट डिक्रीजेस, तो यहाँ से आप लिखेंगे एक्साइटेशन डिक्रीजेस तो आर्मेचर करंट विल इंक्रीज। नाउ दूसरे कर्व से हम ये कहेंगे कि नॉमिनल एक्साइटेशन पे जो पावर फैक्टर होगा दैट विल बी यूनिटी पावर फैक्टर, लेकिन यदि हम एक्साइटेशन को नॉमिनल एक्साइटेशन से डिक्रीज करें तो इस मोटर का पावर फैक्टर डिक्रीज होगा। तो इसके लिए आप लिखेंगे एक्साइटेशन डिक्रीजेस तो उसके साथ पावर फैक्टर ऑल्सो डिक्रीजेस, और जब पावर फैक्टर यानी कि कॉस फाई
डिक्रीज करेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो एंगल है पावर फैक्टर एंगल फाई वो इंक्रीज करेगा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? इसका कंक्लूजन ये हुआ कि एक्साइटेशन को डिक्रीज कराने से आर्मेचर करंट की वैल्यू इंक्रीज कर गई और साथ ही पावर फैक्टर एंगल फाई भी इंक्रीज कर गया। तो अब आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन ए में गिवन है इंक्रीज इन बोथ आर्मेचर करंट एंड पावर फैक्टर एंगल, सो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 ये कहता है एट लीडिंग पावर फैक्टर द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सिंक्रोनस मोटर विल बी व्हाट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर यदि हम लीडिंग पावर फैक्टर की बात करें तो इसका मतलब है कि सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड मोड में है, और ओवर एक्साइटेशन का मतलब है कि एक्साइटेशन यानी कि ई इज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज, और यही तो क्वेश्चन में पूछा है कि एट लीडिंग पावर फैक्टर द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सिंक्रोनस मोटर विल बी व्हाट, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ई और वोल्टेज के साथ और सप्लाई वोल्टेज वी के साथ क्या रिलेशन होगा। तो हमने यहाँ अभी देखा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज ग्रेटर देन सप्लाई वोल्टेज, तो आप ऑप्शंस को रीड करिए। ऑप्शन सी में गिवन है इंड्यूस्ड ईएमएफ मोर देन सप्लाई वोल्टेज, यानी कि ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 ये कहता है द स्पीड रेगुलेशन ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर इज ऑलवेज विच ऑफ द फॉलोइंग। यहां से स्पीड रेगुलेशन के बारे में आप लिखिए कि स्पीड रेगुलेशन इज इक्वल टू नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड डिवाइडेड बाय फुल लोड स्पीड, यही कहलाता है स्पीड रेगुलेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंक्रोनस मोटर सिर्फ एक ही स्पीड पे रन करती है और वो है सिंक्रोनस स्पीड, यानी कि सिंक्रोनस मोटर का नो लोड स्पीड और फुल लोड स्पीड बोथ आर ns, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पीड रेगुलेशन विल बी इक्वल टू ns माइनस ns डिवाइडेड बाय ns, यानी कि स्पीड रेगुलेशन विल बी जीरो। तो आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन सी में गिवन है जीरो, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 ये कहता है इन अ सिंक्रोनस मोटर इफ द बैक ईएमएफ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यानी कि क्वेश्चन में ये कहा है कि यदि इसका एक्साइटेशन सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो तो इनमें से कौन सा सही होगा। तो एज वी नो when excitation is equal to supply voltage, it means synchronous motor operates at nominal excitation. Nominal excitation कहने का मतलब है कि ना ही वो under excited mode में है और ना ही वो over excited mode में है, nominal excitation पे work कर रहा है synchronous motor. तो जब synchronous motor nominal excitation पे work करेगा तो हम कह सकते हैं कि इसका एक्साइटेशन 100% है। यदि यह अंडर एक्साइटेड मोड में होता तो एक्साइटेशन लेस देन 100% कहलाता, और यदि मोटर ओवर एक्साइटेड मोड में होता तो इसका एक्साइटेशन मोर देन 100% कहलाता। तो अब आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन बी में गिवन है द एक्साइटेशन इज सेट टू बी 100%, सो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 ये कहता है अ सिंक्रोनस मोटर कैन ऑपरेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए में गिवन है लीडिंग पावर फैक्टर, ऑप्शन बी लैगिंग पावर फैक्टर, ऑप्शन सी यूनिटी पावर फैक्टर, ऑप्शन डी कहता है लैगिंग लीडिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर, सो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि हम सिंक्रोनस मोटर को किसी भी पावर फैक्टर पे ऑपरेट करा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 ये कहता है द परसेंटेज फुल लोड स्लिप इन अ सिंक्रोनस मोटर इज व्हाट। तो एज वी नो फुल लोड स्लिप विल बी इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड का नो लोड स्पीड, फुल लोड स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड सब सेम होते हैं, सब इक्वल होते हैं, तो इसलिए सिंक्रोनस स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड विल बी जीरो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्लिप एट फुल लोड विल बी जीरो। तो यहां से आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन डी में गिवन है जीरो, सो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 48 ये कहता है इन सिंक्रोनस मोटर द आर्मेचर करंट हैज हाईएस्ट वैल्यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्साइटेशन। यहाँ ऑप्शन में एक्साइटेशन गिवन है और हमें बताना है
कि किस एक्साइटेशन के लिए आर्मेचर करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ से आप सिंक्रोनस मोटर का वी कब देखिए, दिस एक्सिस इज आर्मेचर करंट एक्सिस एंड दिस वन इज एक्साइटेशन एक्सिस। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि फॉर अ पर्टिकुलर लोड यदि हम एक्साइटेशन को लो वैल्यू तक ले जाएं या फिर हम एक्साइटेशन को वेरी हाई वैल्यू तक ले जाएं तो इसका आर्मेचर करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम यहां से कह सकते हैं कि फॉर लो वैल्यू ऑफ एक्साइटेशन एंड फॉर हाई वैल्यू ऑफ एक्साइटेशन आर्मेचर करंट हैज हाईएस्ट वैल्यू। तो आप ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी में कहता है बोथ हाई एक्साइटेशन एंड लो एक्साइटेशन, सो ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेकिन यदि क्वेश्चन में आर्मेचर करंट के लो वैल्यूज के बारे में पूछा होता कि किस एक्साइटेशन पे आर्मेचर करंट बहुत ही मिनिमम होती है, तो हम कहते कि नॉमिनल एक्साइटेशन, क्योंकि नॉमिनल एक्साइटेशन पे आर्मेचर करंट की वैल्यू बहुत ही कम होती है। तो अभी हमने जो कुछ भी डिस्कस किया ये था कॉन्स्टेंट लोड के लिए। यदि हम लोड को वैरी कराएं तो वैसे केस में हम आर्मेचर करंट को एक्साइटेशन से रिलेट नहीं कर पाएंगे कि लो एक्साइटेशन या फिर हाई एक्साइटेशन पे आर्मेचर करंट की वैल्यू हाई होगी या नहीं होगी, वी कैन नॉट से, यदि हम लोड को वैरी कराएं तो। लेकिन यदि लोड हम कॉन्स्टेंट रखें तो हम वी कर्व से ये बता सकते हैं कि लो वैल्यू ऑफ एक्साइटेशन और हाई वैल्यू ऑफ एक्साइटेशन के लिए आर्मेचर करंट की वैल्यू हाई होगी जबकि नॉमिनल एक्साइटेशन के लिए आर्मेचर करंट की वैल्यू लो होगी। ओके, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 ये कहता है एन अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर इज कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ये सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर का क्वेश्चन है, तो आप नोट कर लीजिए कि सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर यदि अनएक्साइटेड हो यानी कि उसमें अगर एक्साइटेशन ना दिया जाए तो वो दो तरह के मोटर बनते हैं, एक होता है सिंक्रोनस, एक होता है हिस्टेरेसिस मोटर और दूसरा होता है रिलक्टेंस मोटर। तो हिस्टेरेसिस मोटर और रिलक्टेंस मोटर बोथ आर सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर विदाउट एक्साइटेशन। तो अब ऑप्शंस को रीड करिए, ऑप्शन डी में रिलक्टेंस मोटर गिवन है तो हम इसे मार्क करेंगे, इट मीन्स ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये कहता है पावर डेवलप्ड बाय अ सिंक्रोनस मोटर विल बी मैक्सिमम व्हेन द लोड एंगल इज व्हाट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पावर डेवलप विल बी इक्वल टू ईवी अपॉन एक्सएस साइन डेल्टा। यदि हम डेल्टा को 90 डिग्री पुट करें तो डेवलप्ड पावर की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टू डेवलप मैक्सिमम पावर लोड एंगल डेल्टा शुड बी 90 डिग्री, और ये होता है सिर्फ सिलेंड्रिकल रोटर के लिए। लेकिन यदि सैलियन पोल रोटर की बात करें तो इसमें मैक्सिमम पावर के लिए लोड एंगल डेल्टा की वैल्यू नियर अबाउट 65 डिग्री होनी चाहिए, लेकिन सिलेंड्रिकल रोटर के लिए लोड एंगल शुड बी 90 डिग्री। चूंकि इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया है कि रोटर किस टाइप का है, सैलियंट पोल रोटर है या फिर सिलेंड्रिकल रोटर है, वैसे केस में हम बाय डिफॉल्ट सिलेंड्रिकल रोटर लेकर चलते हैं। तो सिलेंड्रिकल रोटर के केस में डेल्टा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, सो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।